सो विंटर सीजन एंड होने के बाद अब समर एंड विंटर के बीच वाला टाइम पीरियड चल रहा होता है। ये सब अपनी डेली रूटीन के मुताबिक अपना अपना काम कर रहे होते हैं। एंड इस विलेज का नाम द ग्रेट ट्री विलेज रखने के बाद हिराकू को इसका हेड बना दिया जाता है। हिराकू के पास एक एंजल आती है एंड वो हिराकू को बताती है कि एक मैसेंजर डिमोनिक नाइट से आया है। ये सुनते ही हिराकू शॉक फेस में कहता है कि क्या कहा, एक मैसेंजर जो कि डिमोनिक नाइट से आया है, पर क्यों? इसके बाद ये सब उस मैसेंजर के पास जाते हैं। वो मैसेंजर कहता है कि मेरा नाम बिजिल है और मैं इस प्लेस के हेड से बात करना चाहता हूँ। बेसिकली ये मैसेंजर उस ड्रैगन की डेथ के बाद इधर आया था ताकि ये बिंजल ये जान सके कि किसने उस ड्रैगन को किल किया है। बट एनीवे बिंजल के सवाल के जवाब पर हिराकू आगे आता है एंड वो कहता है कि मैं हूँ इस प्लेस का हेड। अब इधर हिराकू को लगता है कि ये डीमन लॉर्ड की आर्मी से है एंड डीमन लॉर्ड ही इस प्लेस का रियल ओनर है, तो हो सकता है कि ये इधर हमसे टैक्स वसूल करने आया हो। इसीलिए वो इस मैसेंजर से कहता है कि हम टैक्स देने को तैयार हैं, पर हम 10% टैक्स ईयरली बेस पर देंगे, जिस पर वो मैसेंजर शॉक आइज में हिराकू की तरफ देखता है एंड इससे कहता है कि वेरी वेल। देन हिराकू कहता है कि तुम इस टैक्स को विंटर सीजन स्टार्ट होने से पहले आकर लेके जा सकते हो। वो मैसेंजर कहता है कि ओके आई एग्री, चलो फिर तुम क्यों ना इस ईयर वाला टैक्स पे कर दो। ये बात सुनने के बाद हिराकू सोचता है कि ये सब तो बहुत इजीली हैंडल हो गया, मैं तो बिला वजह ही टेंशन लिए जा रहा था। नेक्स्ट ये हिराकू इसको 10% टैक्स पे करता है। और हाँ, हिराकू डीमन लॉर्ड को बेसिकली टैक्स ईयरली बेस पर 10% पे करेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जो कुछ भी फॉर एग्जाम्पल मिल्क, एग, टमाटर्स एंड अदर मोर थिंग्स हिराकू प्रोड्यूस करेगा तो इनमें से डीमन लॉर्ड को 1% भी नहीं देगा। बट खैर, वो बीजर टैक्स रिसीव करने के बाद इधर से जाने लगता है। जाने से पहले हिराकू इसे एक गिफ्ट भी देता है, प्लस ये बीजर इन्हें भी एक गिफ्ट देकर गया था जिसे लेकर लू बहुत हैप्पी थी क्योंकि ये एक अलमाइटी मेडिसन थी। और हमें तो पता है कि लू एक मेडिसन रिसर्चर है। इसके जाने के बाद लू हिराकू को बताती है कि वो बहुत सरप्राइज हुई कि बिजल 10% टैक्स पर ही एग्री हो गया क्योंकि नॉर्मली ये टैक्स 16% से 17% का होता है। दूसरी तरफ बिंजल इस मीटिंग में बैठा होता है, इधर ये कहता है कि आखिर तुम उसके साथ 10% टैक्स पर एग्री क्यों हो गए, जिस पर वो बिजल कहता है कि मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो लड़का बहुत पावरफुल था, इसके पास लुलूसी है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग एंजल है, प्लस इसके पास एल्फ की पूरी आर्मी है एंड अगर ये भी कम हो तो उसके पास वाइल्ड वुल्फ की भी पूरी आर्मी है। इसकी बातें सुनकर ये आदमी कहता है कि अब मुझे समझ आया कि वो लड़का किस तरह ड्रैगन को डिफीट कर पाया था। हाँ, वैसे ये सब हिराकू से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बिजल कहता है कि उसने 10% टैक्स की ऑफर की, मैंने इसीलिए भी एक्सेप्ट की कि अगर मैं उस ऑफर को डिनाई कर दूं तो कहीं ये डेंजरस बॉय हमारा एनिमी ना बन जाए, क्योंकि अगर इसने हम पर अटैक किया अपनी डेंजरस आर्मी को लेकर तो हमें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये वाला आदमी अपना हेलमेट उतारता है एंड कहता है कि इस गिफ्ट में क्या है। विजिल कहता है कि मैंने अभी तक ओपन करके नहीं देखा, तो वो आदमी खुद ही इसको ओपन कर लेता है। ओपन करके देखता है तो इसके अंदर एपल्स होते हैं। देन वो एक एपल उठाता है एंड कहता है कि ये पॉइजन ना हो, लेकिन देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रहे हैं एंड देन इस एप्पल को खा जाता है। बीजल कहता है कि तुम्हें इसे नहीं खाना चाहिए था, ये पॉइजन हो सकते हैं, जिस पर वो कहता है कि चिल आउट, तुम भी टेस्ट कर सकते हो, ये सच में बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हिराकू के पास एक और गेस्ट आया होता है और वो और कोई नहीं ड्रैगन होता है। वो ड्रैगन अपना नाम ड्राइमी बताता है एंड कहता है कि मैं हूँ ड्रैगन्स का ट्रू रूलर। इस ड्रैगन के साथ आया हुआ लड़का हिराकू को एक गिफ्ट देता है जो कि एक स्वॉर्ड होती है। हिराकू इसको देखकर कहता है कि ये बहुत अमेजिंग एंड एक्सपेंसिव लग रही है, बट फिर भी मैं आपका थैंक्सफुल हूँ कि आप मेरे लिए ऐसा गिफ्ट लेकर आए। एंड ये ड्रैगन साइज में बहुत बिग था, तो वो अपने आप को एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है एंड एक बार फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है। बट इस बार भी वो वही सेम लाइन का यूज करता है कि मेरा नाम ड्रैमी है, मैं ही
ड्रैगन्स का ट्रू रूलर हूँ, जिसे सुनने के बाद हिराकू सोचता है कि ये आदमी सच में अपना इंट्रोडक्शन को मिक्सअप कर गया है। इसके बाद सीधा नाइट टाइम दिखाया जाता है कि ये ड्रामी इधर काफी हैप्पी होता है। इवन के वो कहता है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं इधर ही हमेशा रहना चाहता हूँ। जिस पर इसके पास खड़ा लड़का कहता है कि माय लॉर्ड, आपको वापस जाना ही पड़ेगा, प्लस वो भी अभी, एंड अब चलें। जिस पर ड्रैमी कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मुझे ये एप्पल बहुत पसंद है। जिस पर वो लड़का कहता है कि अरे ये एप्पल, ये तो हिराकू आपको गिफ्ट में दे देगा। एंड देन ऐसा ही होता है, वो इधर से चले जाते हैं बट अपने साथ बहुत से एप्पल भी लेकर जाते हैं। हिराकू सोचता है कि आजकल बहुत से गेस्ट आ रहे हैं, मुझे इनके लिए भी आगे से रेडी रहना पड़ेगा। इसलिए वो लू एंड एंजल के साथ डिस्कस करता है कि हमें गेस्ट के लिए भी एक गेस्ट हाउस बनाना चाहिए। जिस पर एंजल कहती है कि इधर जब भी कोई गेस्ट आता है तो वो ग्रुप में होते हैं, क्योंकि इधर आने के लिए माउंटेन चढ़ने पड़ते हैं, इसलिए कोई भी अकेला तो इधर नहीं आना चाहेगा। आई मीन्स अगर हम गेस्ट हाउस बनाएंगे तो वो कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसके अंदर 30 गेस्ट इजीली फिट आ सके। हिराकू एंजल की इस आइडिया पर काफी सेटिस्फाइड होता है। एंजल फर्दरमोर बताती है कि इसके अंदर फर्स्ट फ्लोर को ओपन ग्राउंड रखेंगे एंड सेकंड फ्लोर में हम सब गेस्ट के रहने के लिए बेडरूम बनाएंगे। इसके बाद ये सब एल्फ वगैरह इस हाउस को बिल्ड करने लग जाते हैं। हिराकू जोबोतन के अलार्म को भी चेंज कर देता है क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो सकती थी, इसलिए अब जोबोतन के पास दो बेल होती हैं, एक गेस्ट के लिए और एक अलर्ट करने के लिए। इनके गेस्ट को लेकर प्रिपरेशन कंप्लीट होते ही इनके पास गेस्ट आ जाते हैं, जिनको देखकर हिराकू सोचता है कि ये तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि गेस्ट इतनी जल्दी आ जाएंगे। इनमें से एक मैन आगे आता है एंड वो अपना नाम गार्फ बताता है। फर्दरमोर बताता है कि हम वेस्ट में मौजूद एक विलेज जिसे हॉविलिंग कहते हैं, हम उधर से इधर इस विलेज के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए आए हैं। हिराकू इन सबको लेकर गेस्ट हाउस में आता है जहां पर मेड्स इनको वेलकम करती है। इनके अंदर जाते ही एंजल डोर को लॉक कर देती है। हिराकू पूछता है कि एंजल गेस्ट के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो, जिस पर एंजल हिराकू से कहती है कि ये लोग कहते हैं कि ये इधर रिलेशन एस्टेब्लिश करने आए हैं पर ये अपने साथ कोई भी गिफ्ट नहीं लाए, तो हो सकता है कि इनका मकसद कुछ और हो, हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी चाहिए। इसके बाद हिराकू किचन में इस मेड के पास आता है एंड वो इससे कहता है कि क्या तुम इनको डैमी जैसा खाना खाने को नहीं देने वाली, जिस पर वो मेड एंग्री मूड में कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसे लोगों को मैं खाना खाने को दे रही हूँ ना, इतना ही काफी है, क्योंकि ये लोग अपने साथ कोई भी गिफ्ट नहीं लाए हैं। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं, हिराकू सोचता है कि मुझे इनसे पूछना चाहिए कि आखिर ये इधर आए हैं तो क्यों आए हैं। इसलिए जब वो लोग पूरी तरह से अल्कोहल पीने के बाद ड्रिंक हो जाते हैं, तब लू एंजल एंड बाकी सब मेट्स इनसे सवाल पूछने शुरू कर देती है। दूसरी तरफ इन सबको हैंगओवर होने की वजह से ये सब सच सच बता देते हैं। इनका ट्रू मोटिव ये होता है कि ये हिराकू के विलेज में ट्रेड कर सके, क्योंकि इनका काम ही ये होता है कि ये इंसानों से ट्रेड करते हैं ताकि ये सर्वाइव कर सकें। इसलिए जब इनको न्यू विलेज के बारे में पता चला तो ये इधर अपनी रिसर्च करने के लिए आए ताकि इनको न्यू कस्टमर मिल सके। फर्दरमोर ये सब इसके अलावा और भी काफी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, जैसा कि इनका विलेज 500 साल पुराना है एंड इनके विलेज में सब बीस्ट मैन ही रहते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद हिराकू गार्फ के साथ सेटलमेंट करता है। गार्फ कहता है कि मैं चाहता हूं कि हम इन दोनों विलेज में मार्केट ओपन करें, क्योंकि हमारा विलेज से इधर आना जाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। जिस पर हिराकू सोचता है कि हाँ ये सही कह रहा है, मैं तो इजीली आ जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वुल्फ की हेल्प जो है। इसीलिए हिराकू गार्फ की दोनों विलेज में मार्केट ओपन करने वाली बात पर एग्री हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब गार्फ एंड इसके मेंबर्स यहाँ से जाने लगते हैं तो गार्फ हिराकू को बताता है कि हमें माफ करना कि हम कोई भी गिफ्ट वगैरह नहीं लाए, वो क्या है ना कि हमारा विलेज बहुत पुअर है, हम अफोर्ड ही नहीं कर पाए कि कोई फैंसी सी चीज एज अ गिफ्ट आपके पास लाएं।
जिस पर हिराकू कहता है कि अरे अरे गार्फ, तुम इस बात की टेंशन मत लो, हमें खुशी है कि तुम हमारे विलेज में आए, सो प्लीज डोंट लुक डाउन। गार्फ हिराकू की बातें सुनकर चीयर अप हो जाता है। इस एपिसोड के एंड पर दिखाया जाता है कि हॉलविंग विलेज से भी कुछ वूमेन्स इधर रहने के लिए आती हैं, जिनमें से एक का नाम सीना होता है। एंड ये एपिसोड इस न्यू कैरेक्टर के साथ ही एंड हो जाता है।